हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको वही नोटिफिकेशन फिर से बता दूं कि अगर आपको लाइव शो में आके क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ आपको इस वीडियो के बीच में मैं कहीं पे कोड बताऊंगा, आपको कोड मेंशन करना है और कहीं पे भी बीच में बता सकता हूँ। क्योंकि मैंने जैसे कल भी एक्सप्लेन किया था कि आप लोग सिर्फ इसलिए, क्योंकि मैं सारे सवालों के आपके जवाब देता हूँ, आपको सारे कमेंट्स पर रिप्लाई करता हूँ, सिर्फ इसलिए जो मेरा यूट्यूब चैनल है बिल्कुल भी ग्रो नहीं कर रहा। मैंने एक ट्रायल करके देखा, दो वीडियोस बनाए, एक में मैंने आपको रिप्लाई किया, एक में मैंने रिप्लाई नहीं किया। जिस वीडियो में मैंने आपको रिप्लाई किया उस वीडियो का वॉच टाइम बहुत कम है, और जिसमें मैंने आपको रिप्लाई नहीं किया है उस और उस वीडियो का वॉच टाइम बहुत अच्छा है। आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं यूट्यूब चैनल में जाके। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं एवरीबडी इज़ वर्किंग फॉर प्रॉफिट, और उसकी वजह से मुझे काफ़ी नुकसान हो रहा है, आपको मैं क्लियरली बताऊँ तो। तो ठीक है, आप इसमें कोड बताऊंगा, कोड आप बताएंगे तो ही मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, अदरवाइज मैं सॉरी, रियली सॉरी कि मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा। आगे बढ़ेंगे सन इन सेवंथ हाउस के बारे में, सातवें घर में जब सूर्यदेव हो क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल कंसल्टेशन अगर आपको चाहिए तो astrosolution49@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं। बहुत थॉरो कंसल्टेशन होगी, बहुत बहुत कुछ, मतलब आपको ईच एंड एवरी प्लैनेट के बारे में बताऊंगा कि कौन सा प्लैनेट किस चीज़ के बारे में, न्यूमरोलॉजी रीडिंग दोनों इसमें क्लब हो जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं सन इन द सेवंथ हाउस में। जैसे कि हम अपनी नॉर्मल सीरीज में करते हैं कि जब हम मतलब सेवंथ हाउस ये है और सन है सेवंथ हाउस, तो मैंने आपको काफ़ी बार बता दिया है कि सेवंथ हाउस होता क्या है। जनरली सेवंथ हाउस हमारा लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जनरली सेवंथ हाउस हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाता है, राइट, मैरिज को दिखाता है, प्राइमरी हाउस ऑफ मैरिज है। बीच इस घर का मतलब, अगर जैसे अगर आप कहें मैरिज कब होगी तो हम कहेंगे कि सेवंथ हाउस का बीच में आना, मतलब सेवंथ उस प्लेनेट का सेवंथ हाउस का रिलेशन होना जरूरी है, तभी मैरिज हो सकती है ना। और इसके साथ अगर आप कहें तो ये लीगल, आपको लीगल बाइंडिंग्स भी दिखाता है, ये आपको एनिमी भी दिखाता है। एनिमी क्यों दिखाता है? क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारे सेल्फ का होता है, सेवंथ हाउस जस्ट अपोजिट टू सेल्फ होता है, हमारे सामने वाला, ठीक है, ये ओपन एनिमी होता है। ये आपका अगर आप कहें तो सोशल स्टेटस भी दिखाएगा, आपका सोशल स्टेटस दिखाएगा कि आपका मतलब बाहर बाहर के लोगों के साथ आपकी सोसाइटी में आपका कैसा नाम है। उसके बाद ये ट्रेडिंग भी दिखाता है, ट्रेडिंग मतलब बिजनेस एंड ऑल। अगर ट्रेडिंग, अगर आपका सेवंथ हाउस है, सेवंथ हाउस बिजनेस दिखाता है, ट्रेवल्स भी दिखाता है, बिजनेस रिलेटेड ट्रेवल्स भी दिखाता है। और अगर हम वैसे देखें तो चेंज इन ट्रैवल भी, अगर आपके कभी कभी कुछ ट्रैवलिंग हो रही है तो बीच में कभी चेंज हुआ, अब हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये चेंज होगा नहीं होगा आपकी ट्रैवलिंग सीधे। सपोज कीजिए आप यहाँ से कहीं किसी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, सपोज आप यूएस जा रहे हैं, यूएस हम कहेंगे क्या आप यूएस से कैनेडा भी जाएंगे, तो ये हम चेंज इन कोर्स ऑफ जर्नी ये हम सेवंथ हाउस से डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीज़ें सेवंथ हाउस से हम देखने के बाद, अगर हम फिर हम बात करेंगे सूर्य देवता, सूर्य देवता सूर्य देवता की हम बात करेंगे कि सन क्या होता है, उसके बाद ही हम बात कर पाएंगे कि सेवंथ हाउस में सन की पोजिशन हमें क्या रिजल्ट देगी। सूर्य देवता की बात करें तो सूर्य हमारी मतलब कुंडली में, सभी की कुंडली में एक आत्मा कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि सूर्य आत्मा है, राइट। उसके बाद सूर्य को गवर्नमेंट का कारक भी माना जाता है। अगर आप कहें सूर्य को गवर्नमेंट का भी कारक माना, अगर गवर्नमेंट रिलेटेड कोई भी काम आपको करना है तो सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जिनका आप गौर करेंगे, जिनका सूर्य खराब होता है उनको गवर्नमेंट रिलेटेड काम में, वीजा मिलने में, अगर आपको कुछ भी गवर्नमेंट जहाँ पे मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट है वो थोड़ी सी दिक्कत होती है, बॉस से बनती नहीं है अगर सेवंथ हाउस खराब, सूर्य खराब होता है तो। उसके बाद जो सन दिखाता है वो दिखाता है आपके फादर को, फादर या फादरली फिगर्स, आपके ताऊजी जो भी आपसे बड़े हैं जिनको आप पिता तुल्य बोल सकते हैं, वो उनको सेवंथ हाउस दिखाता है। सेवंथ हाउस हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सेवंथ हाउस हमारे कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सॉरी कॉन्फिडेंस को दिखाता है, सेवंथ हाउस हमारे ईगो को दिखाता है, सेवंथ हाउस हमारे हेल्थ में हार्ट का भी कारक होता है, ठीक है, हार्ट का कारक होता है, बोन्स का कारक होता है, इन सब चीज़ों को दिखाता है। उसके बाद अगर हम मतलब नॉर्मली बात करें कि सूर्य सेवंथ हाउस में क्या रिजल्ट देगा, अब मैंने आपको जैसे बताया सूर्य एक चीज़ तो है, सूर्य जिस भी प्लेनेट के साथ होता है अगर ये डिग्री वाइज क्लोज हुआ तो उसको ये कॉम्बस्ट कर देता है, किसी भी प्लेनेट के क्लोज होगा तो ये उसको कॉम्बस्ट करता है, मतलब है कि उसकी पावर को खत्म कर देता है।
क्योंकि सूर्य के पास कुछ भी जाता है, मतलब कह सकते हैं कि वो आप जल जाता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो सेवंथ हाउस में सूर्य की अपोजिशन को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैरिज के बारे में बात करेंगे कि मैरिज कैसी देंगे, ये थोड़ा सा मैरिज में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर इसमें सेवंथ हाउस के सन में, मैं जैसे हर बार बताता हूँ, सेकेंड हाउस प्लस इलेवंथ हाउस आ जाए तो ये कोई ज़्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले नहीं है। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आएगा, वो मैरिज में होता ही है। लेकिन सेवंथ हाउस ऑफ सन, सन इन सेवंथ हाउस, अगर इन्होंने रिलेशन बना दिया 1, 6, 10 और कोई भी इनके साथ पॉजिटिव नंबर नहीं है, सपोज करिए 2 या 11 नहीं है, तो ये आपकी डिवोर्स की कंडीशन बना देंगे। सूर्य का अगर सेवंथ हाउस में होते हुए 8th या 12th के साथ रिलेशन बना दिया तो ये आपको मेंटल टेंशन देंगे, ऑब्स्टेकल्स देंगे यहाँ पे बैठ के, क्योंकि यहाँ से आपके फर्स्ट हाउस को देख रहे हैं तो आपके कॉन्फिडेंस को गिरा देंगे, आप में ईगो बहुत ज़्यादा होगा अगर ये खराब हुए तो। इसके बाद अगर आपके कॉन्फिडेंस अगर ये अच्छे हुए तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, अदरवाइज ये घटाएंगे। उसके बाद जिनके जिनका सूर्य खराब होता है सप्तम भाव में, उनको प्रॉपर्टी परचेज में ही प्रॉब्लम आती है। इसमें कहते हैं प्रॉपर्टी परचेज में भी प्रॉब्लम आती है। दूसरी चीज है, इनकी इनके बॉस के साथ कभी नहीं बनती है अगर सेवंथ हाउस खराब हो। अब अगर हम देखें सेवंथ हाउस, अगर हम ट्रेडिंग की बात करें, बिजनेस की बात करें, तो जनरली ये लोग क्या होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ये चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। मतलब अगर आप सन कहें तो सन आपका मैनेजमेंट है, सन अगर कहें तो मैनेजमेंट है आपका सन, ठीक है। जिनके जिनका सन अच्छा होता है उनके अंदर मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। उनके अंदर अगर पहली बात है, इफ सेवंथ हाउस 10th प्लस 11th के साथ रिलेशन बनाता है, सॉरी 10th और 11th के साथ रिलेशन बनाता है, तो ऐसे लोगों का बिजनेस काफी सक्सेसफुल होता है, बिजनेस काफी सक्सेसफुल होता है। लेकिन अगर इसी ने रिलेशन बना दिया 8, 12 के साथ, तो फिर बिजनेस में धोखा होता है। इस पर दृष्टि है राहु की तो धोखा होगा। फिर वो कब होगा, जब राहु में इसका अंतर आएगा तो ये धोखा देने वाली कंडीशन बना देता है। तो फ्रेंड्स बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। आखिरी में मैं आपको कोड बता देता हूँ, कोड है 1196, 1196 आपका कोड है। इस कोड को एंटर करने के बाद ही मैं आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर दूंगा। आई एम रियली सॉरी, ऐसा मुझे करना पड़ रहा है क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है अपने चैनल का वॉच टाइम बढ़ाने का। बिकॉज मेरे चैनल सीरियसली, आप बताएं, आप में से शायद कोई भी, शायद अभी तक किसी ने इस चैनल को अपने फेसबुक पे शेयर नहीं किया होगा। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। बिकॉज देखिए, कहीं ना कहीं हर कोई बिजनेस अगर कर रहा हूँ मैं, अगर लाइव आ रहा हूँ, मैं आपके क्वेश्चन के आंसर एज अ गुडविल आ रहा हूँ ऑल दो, बट कहीं ना कहीं उसमें मेरा इंटेंशन भी रहता है कि मुझे भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाए, राइट। क्योंकि बिना प्रॉफिट के कोई काम नहीं करता। अगर मैं कंसल्टेशन बिना प्रॉफिट के करने लगा तो फिर वही है कि घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, है ना। बट फिर भी एज अ गुडविल मैं आपको एक या दो क्वेश्चंस होते हैं, बजाय कि आपको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाके फीस देनी पड़े पर क्वेश्चन की, मैं आपको आंसर देता हूँ, ताकि लाइव शो करता हूँ ताकि आपके वो पैसे बच सके। बट इससे आपसे इतनी तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि आप उसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वॉच टाइम एटलीस्ट कम ना होने दें। ये सब आप ही चीज़ आप ही पे डिपेंड करता है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। लाइव शो में आप आना चाहते हैं, वी आर मोस्ट वेलकम। और मैं वहाँ पे आपके एक या दो क्वेश्चन जो भी होंगे उनके आंसर कर दूंगा। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है तो आप प्लीज़ astrosolution49@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।